नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां तंबोर कस्बे में स्थित तो होंडा मोटरसाइकिल एजेंसी के बगल में एचआर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हाजी सखाउल्ला पटवारी ने की। वही मुख्य अतिथि के रूप में जय कुमार वर्मा, रामजीवन जायसवाल, पूर्व चेयरमैन जब्बन बेग, सुरेश श्रीवास्तव रहे। वही इस कार्यक्रम का संचालन प्रमोद मिश्रा ने किया। वहीं कस्बे के सरकारी अस्पताल रोड पर जयउल्ला खां ठेकेदार के अथक प्रयासों से इस डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा व बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामजीवन जायसवाल के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामजीवन जायसवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कस्बे में डॉक्टर तो बहुत थे, पर अभी तक डायग्नोस्टिक सेंटर न होने के कारण मरीजों को सीतापुर, लखनऊ आदि जगहों पर जाकर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वाली जांचें कराने के लिए जाना पड़ता था, पर अब सभी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध होने से क्षेत्रवासियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हफीजुल्ला, डायरेक्टर राहुल मिश्रा, जयउल्ला खां द्वारा आए हुए सभी मेहमानों व पत्रकार बंधुओं को फूलमाला पहनाकर गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, गरीब असहाय लोगों को लगभग 100 कम्बल भी वितरित किए गए। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट। देखिए पत्रकार महोदय, यहाँ पे तंबोर हमारा गांजी क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। इसमें हम लोग बनाए यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि अस्पताल तो है मगर जांच अच्छी नहीं मिल पाती यहाँ। तो हम हैं, हमारे एक पार्टनर हैं राहुल मिश्रा जी, अदर आइए एक मिनट जरा। अभी ये हमारे बड़े भाई हैं और इनके मना सरपरस्ती में हम लोग जो है एचआर डायग्नोस्टिक का सिस्टम का बनाया, जहाँ पर हम डिजिटल एक्सरे भी दे रहे हैं और ब्लड की जाँच यानी लगभग यह पूरी फुल पैथोलॉजी हमारे पास यहाँ है। और भविष्य में हम एक बगल में नर्सिंग होम भी बन रहा है सहयोग से, अगर वो भी चालू हो गया तो तंबोर कस्बे और इलाके में बहुत अच्छी सुविधा देने का बड़ा हम लोगों का प्लान है। जैसे कि एचआर डायग्नोस्टिक का जो वहाँ पर एक सेंटर चल रहा है अल्ट्रासाउंड का, जी, तो इस तरह से यहाँ इस कस्बे में बहुत जल्दी लगभग हम दो महीने में वो भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, व्यवस्था हो जाएगी। फाइल हमारी पड़ी है, कुछ प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट से मिलने में कुछ दिक्कत आ रही है, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम वो भी पूरी हो जाएगी। और आप लोगों से मेरा ये भी जो हमसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग देने की कोशिश करें। और फिर एक खास बात यह है कि आज हमने लगभग 100 कंबल भी बांटे हैं यहाँ पर लोगों को, बाकी जो हमसे हो सकता है। ये एक सिस्टम भी बनाया गया है गरीब लोगों के लिए, जो अपने पत्रकारों को सम्मानित किया, सभासदगणों को सम्मानित, जी कई डॉक्टर थे यहाँ पर उनको भी सम्मानित हमने किया है, पत्रकार भी सम्मानित किया, गरीब जो है गरीब लोगों को कंबल भी हमने बांटे हैं और हमारी टीम ने बांटी है। अब भविष्य में सोचते हैं ये कि जो भी मना जांच हमारे यहाँ कराएगा उसको हम ज़्यादा से डिस्काउंट देंगे, यानी गरीब जो होंगे तो उनसे मैंने हाफ में कह लीजिए, या हम जो हो सके कम से कम पैसे लेके उनका जो है हम पैसा उनसे लेंगे, उनकी जो है हम जाँच करेंगे और पूरी सेवा करने का प्रभाव हम लोगों के पूरे सेवा करने के बाद कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि यहाँ पर जो लोग आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, जायसवाल जी थे या वर्मा जी थे, वो तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जहाँ पर यहाँ रहता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे लिए आता है जिसका पैसा जिसके पास नहीं है और उस पैसे के कारण वो जांच नहीं करा पा रहा, उससे वो क्रिटिकल कंडीशन उसकी हो रही है, बीमारी का कोई रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है कहाँ पे कैसे हो, तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी व्यवस्था रखेंगे। जी सर, ये तो हम लोग आए दिन करते रहते हैं, जो भी हमारे चैरिटी का वर्क हमारा रहता है वो हमारा एक ग्रुप है साहिबजादा फतेह सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके थ्रू हम मेडिकल कैंप भी लगाते रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पैथोलॉजी के बारे में मैं आपको बता दूँ, मोस्टली चीज़ें बता चुके हैं जियाउल्लाह भाई बाकी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पैथोलॉजी खोलने का हमें सीधा उद्देश्य हमारा यही था कि लोग यहाँ पे जाते थे तो जांच तो चलिए महंगी होती थी, सस्ती होती थी, डिले होता था, वो होता था, जाने और आने का कन्वेंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें इंसान का हो जाता था। अगर कोई इंसान जाता भी है तो टाइम ख़राब होता है उसका, कम से कम अगर मिनिमम भी मान ले तो 100 रुपये इन्वेस्ट होता ही है इंसान का जाने आने में, तो वो भी इन्वेस्टमेंट उसका बच रहा है, सेम डे में रिपोर्ट मिल रही है, बीमार इंसान आज है रिपोर्ट मिलती है 4 दिन बाद, तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी होती है। उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ की है। हाँ मैं बताता हूँ सर, जैसा कि सर आपने कहा था कि हमने पत्रकारों को, सभासदों को और डॉक्टर्स को चाहे थे उनको सम्मानित किया, हमारा मेन उद्देश्य सर ये था सब लोगों को करने का कि ये लोग सोशली सब तबकों से जुड़े रहते हैं, जो भी गरीब लोग हैं,
अमीर लोग हैं, जो भी क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों से ये लोग सारे लोग जुड़े रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम सारी चीज़ें इन लोगों को समझा दें और ये पूरे क्षेत्र के लोगों को समझा सकते हैं इन चीज़ों को। बस यही उद्देश्य था हमारा उनको सम्मान करने का।